नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार बर्थे और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 28। तो आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। अवैध गर्भपात के मामले में आरोपी डॉक्टर वन्ना काप से की मुश्किलें बढ़ी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आमला में बहुचर्चित अवैध गर्भपात कांड, जिसमें आरोपी द्वारा अपनी छात्रा से संबंध स्थापित कर उसका अवैध गर्भपात कराया गया था, इस मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। एक ओर पुलिस ने एक सूखे बोरवेल से भ्रूण की बरामदगी कर ली है, वहीं अवैध गर्भपात कराने वाली आरोपी डॉक्टर वन्ना काप से की मुश्किलें इससे और बढ़ गई है। जिले की पुलिस अधीक्षक सुश्री श्रीमाला प्रसाद ने इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि करुणा हॉस्पिटल में अवैध गर्भपात कराने वाली डॉक्टर के खिलाफ बैतूल कोतवाली में पहुंचकर दो अन्य पीड़ित नाबालिग ने FIR दर्ज कराई है, जिसमें एक 5 और दूसरी 7 अप्रैल को दर्ज की गई है। 3 अन्य मामले भी सामने आए हैं जिसकी विवेचना की जा रही है। इनके अलावा नियम विरुद्ध गर्भपात कराने, अवैध लिंग परीक्षण कराने, नाबालिग और बालिग पीड़िताओं को बहला फुसला कर घटना की सूचना एवं जानकारी पुलिस को नहीं देने, आरोपियों के साथ मिलकर गर्भपात कराने, अवैध सोनोग्राफी मशीन रखने के लिए डॉक्टर वंदना काप्से के विरुद्ध अपराध की धारा 420 भारतीय दंड विधान PCPNDT एक्ट 1994 की धारा 3, 4, 5, 6, 23 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया है। इंडिया न्यूज 28 के लिए देवीनाथ लोखंडे के साथ दीपक बर्थे की रिपोर्ट।